लखनऊ से खबर, जहां सड़कों के गड्ढे भरने के काम की धीमी रफ्तार हो चुकी है। लखनऊ मंडल में आधा काम भी अभी तक नहीं हो पाया है। प्रदेश में ये जो काम का स्तर है वो औसत से भी नीचे है। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, बांदा मंडल में औसत से कम काम हुआ है। लखनऊ में 42% सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा सका है। गोंडा, झांसी और मिर्जापुर में 40% काम पूरा अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सड़कों के गड्ढे भरने के काम की रफ्तार काफी धीमी है। लखनऊ मंडल में आधा काम भी अभी तक नहीं हुआ है। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, बांदा मंडल में औसत से भी कम अभी तक काम हुआ है। राजधानी में कुछ हद तक अगर माने तो जरूर वहां पर काम हुआ है। 42% सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। गोंडा, झांसी और मिर्जापुर में यही काम 40% तक हुआ है। और चलिए अब आइए पॉइंट्स के जरिए समझते हैं कि कहां पर गड्ढा भरने की जरूरत है और कहां पर स्थिति क्या है। लखनऊ मंडल में आधा काम भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। लखनऊ में 42% सड़क गड्ढा मुक्त है। गोंडा, झांसी और मिर्जापुर की बात करें तो यहां पर 40% से भी कम काम हुआ है। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या में औसत से भी कम काम हुआ। सभी 18 मंडलों में औसत काम करीब करीब 47% हुआ है। गोरखपुर और मेरठ में 60% से अधिक काम हुआ है। लक्ष्य हासिल करने के लिए महज 18 दिन बचे हुए हैं। 15 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अभियंताओं को चेतावनी दी है। काम के सत्यापन कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो जो एक टारगेट रखा गया था उस टारगेट के मुताबिक अभी काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। वक्त बहुत ज्यादा बचा नहीं है, सिर्फ 18 दिन का वक्त बचा है जिसमें कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।